कहते अब्राहम की भी परीक्षा आई और यीशु मसीह की भी हुई। जो यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जो हम मत्ती 4 अध्याय में पढ़ते हैं, जब 40 दिन यीशु मसीह निराहार क्या करता रहा, प्रार्थना करता रहा, और जब 40 दिन खत्म हुए तो लिखा आत्मा उसे जंगल में ले गया। कैसे ले गया? ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। ध्यान से इस बात को समझना, शैतान से आत्मा उसे जंगल में ले गया कि शैतान से यीशु मसीह की परीक्षा हो। लिखा उसने कोई पाप नहीं किया, तो अभी हमारे समान वो परखा गया पर निष्पाप निकला। बोलो क्या निकला? वो हमारे समान परखा गया, उसने कोई पाप नहीं किया पर फिर भी वो निष्पाप निकला। निष्प मतलब उसने कोई पाप नहीं किया जिसके कारण उसकी परीक्षा हुई शैतान से। मैं आपको बताता हूं क्यों हुई। इसका कारण यह है कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उसकी सबसे ज्यादा नीड, जो जरूरत थी, रोटी थी। तो शैतान आपको हमेशा उसी चीज में फंसाएगा जो आपकी ज्यादा जरूरत है। बोले क्या है? क्योंकि उस समय उसकी जरूरत क्या थी? रोटी थी। अगर यीशु मसीह कहते तो वो रोटियां पत्थर भी, जो जब शैतान ने कहा इन पत्थरों को कह रोटियां बन जाए तो बन सकती थी। पर यहां पे ये सबसे बड़ी बात है कि शैतान के वचन को पूरा नहीं करते। जब लोग मुसीबत आती है, परीक्षा आती है, हालात आता है, तो वो फट दे तर, क्या कहते पंजाबी में, सारे वचनों शैतान के पूरे करते। मैंने देखा है जब लोगों की परीक्षा आती है, एक तो उन्हें समझ नहीं है ये परीक्षा किसके कारण आ रही है, मेरे कारण आई है या धर्म की सच्चाई के कारण आई है, चेक करना पड़ेगा। जब आत्मा में नहीं होती तो यही तो प्रॉब्लम है, अपने चेक करना है। चेक मैं भी करता हूं, समझ आ रही है? क्योंकि वहां पे ये मेन सबसे बड़ी बात है कि जो शैतान ने वचन बोला उसे पूरा नहीं करना, कि इन पत्थरों को कह रोटियां बन जाएं। तो अगर यीशु मसीह कहते तो बन सकती थी, पर बात किसकी पूरी हुई? शैतान की। आज जब परीक्षा आती है, क्यों लोग, जब शैतान हालात लेकर आता है तो लोग घर में बैठ जाते हैं, अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, क्योंकि वो परीक्षा, वो जो नीड है, जो जरूरत है, उसके अनुसार किसका वचन को पूरा कर रहे हैं। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। वो कहते जी छुट्टी नहीं मिलती, काम ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे दुनिया बनाने वाला परमेश्वर जो बिना हवा पानी बादलों के, लिखा खड्डे पानी से भर सकता, आने वाले दिनों में खुदावंद मेरे जीवन से ऐसी ऐसी खुदावंद आपको गवाहियां देगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं लगा हुआ हूं, आपके रोंगटे खड़े होंगे, तब आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों नहीं ये काम किया, मैं को अपने समय को मैंने को खराब किया। इसलिए समय को मत खराब करो। इसलिए यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना। उसने तो सोचा मैंने हवा को फंसा लिया, इसे भी फंसा लूंगा। हवा ने बात मानी कि नहीं मानी? जिस चीज से मना किया था परमेश्वर ने, फल से, तो हवा ने तो मान बात, उसकी बात को मान लिया। उसने कहा मैं यीशु मसीह को भी फंसा लूंगा। आज भी लोगों को वो ऐसे ही फंसाता है, लालच देता है कई चीजों का। इसलिए जो गुप कहता फिर वो लालच, वो अभिलाषा फिर गर्भवती होती है। पर यहां पे अपने ध्यान से देखना है, आपको हमेशा उसी चीज में शैतान मात देगा जो आपकी जरूरत है। हो सकता वो धन हो सकता है, पैसा हो सकता है, बिजनेस, कोई काम। हाँ, जैसे उसकी कमजोरी शिमशोन की औरत बन गई कि नहीं बन गई, और जवानी में मारा गया। तो यीशु मसीह ने नहीं मानी बात। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, मैंने सुना तेरे विषय के, तू अगर इस ऊपर पहाड़ से गिरा देगा तुझे दूत उठा लेंगे। तो फिर उसने वचन से उत्तर दिया, ये भी लिखा है अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले।
फिर उसने कहा, अच्छा अगर तू मेरे आगे झुकेगा, मेरे आगे दंडवत करेगा, तो मैं जगत की सारी चीजें तुझे दे दूंगा। वहां पे तो लिखा दे दूंगा, एक्चुअल में ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा ये मुझे सौंपी गई है, मुझे दी गई, मैं तुझे भी दूंगा। तो यीशु मसीह ने फिर वचन बोला, ये भी लिखा है कि केवल सिर्फ अपने उस परमेश्वर की उपासना कर, उसी को दंडवत कर, उसी का नाम ले, किसी दूसरे का नहीं। तो जब ऐसे कहा तो शैतान लिखा जो परखने के लिए आया वो भाग गया छोड़कर यीशु मसीह को। बोलो क्या हो गया? फिर चला गया। लोग कहते फिर अब्राहम की भी परीक्षा आई। बोलो क्या हुई? अब्राहम की भी परीक्षा परमेश्वर ने ली। सुनो, अब्राहम की जो परीक्षा थी वो इन परीक्षाओं से भी एक अलग थी, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। इसलिए परमेश्वर ने जब उसके प्रेम को देखा तो उससे ये वादा किया कि तेरे वंश से मैं बहुत सी जातियां बनाऊंगा, तू समूह जातियों का मूल पिता होगा। क्या हो जाएगा तू? समूह जातियों का तू मूल, इतनी बड़ी आशीष थी। पर परमेश्वर ने देखा कि क्या देखते हैं? बोलो क्या है? ये सचमुच मुझसे प्रेम करता है। बोलो क्या करता है? मुझसे प्रेम करता है कि अपने बेटे से प्रेम करता है? वो जो परीक्षा थी एक प्रेम की परीक्षा थी। बोलो क्या थी? वो ये वाली नहीं है, जकूब वाली और पत्रस जो बता रहे हैं वो वाली नहीं है। ध्यान से इन बातों को समझना, वो एक प्रेम वाली थी। और परमेश्वर देखना चाहता था, इस दुनिया को साबित करना चाहता था, इस दुनिया में आने वाले कुल को, आने वाली जितनी पीढ़ियां, कि अब्राहम क्या है, मेरा सच्चा दास, जो अपने बेटे की बलि भी देने से उसने इनकार नहीं किया। इसलिए क्यों कहा उसने, मत शुरा चला, मैं जान गया हूं तू मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि वो सबसे उसकी अनमोल चीज थी, क्योंकि अब्राहम एक धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत सोना धन जमीन जायदाद सब कुछ था, पर उसकी सबसे ज्यादा अनमोल चीज उसका बेटा था। बोलो क्या था? उसका बेटा था। और अब्राहम उसे भी देने के लिए बलि से डरा नहीं, लो जी परमेश्वर दे दी। इसलिए जब आवाज आई, जब उसने शुरा चलाने लगा अपने बेटे पर, उसने कहा रुक जा, उस पर शुरा मत चला, क्योंकि मैं जान गया तू मुझसे प्रेम करता है। आज लोग चंद चीजें खुदा के घर के लिए अनाउंस करें तो देने से डरते हैं। अब्राहम का प्रेम देखो, 100 बार सोचते हैं दू के ना दू, 10 रुपए डालने पर सोचते, 100 रुपये खुदा के काम के लिए खर्चने के लिए सोचते, दूं के ना दूं। शैतान पाए हजारों का, लाखों का भी कईयों का नुकसान किया कर देता कई बार, पर वो एक अभिलाषा के कारण है। समझ आ रही है? बोलो क्या है? अब जो उसकी परीक्षा थी वो प्रेम की थी, वो पतरस वाली और अय्यूब वाली नहीं, दुखों वाली, अन्याय वाली जहां अपराध करके, वो वाली नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? इसी तरह से अय्यूब की भी कहते परीक्षा हुई। जो अय्यूब की परीक्षा हुई, अय्यूब हम जानते कि वह सच्चा और धर्मी और खरा था, और परमेश्वर का भय मानने वाला था, डर रखने वाला था, उसकी हर आज्ञा को पूरा करने वाला था, खरा मनुष्य था। इसलिए अभी शैतान उसे परखने के लिए जब वहां पे आया तो परमेश्वर से पूछा, तू नहीं जाता, तू इधर से क्या आया इधर उधर? कहता मैं घूमता है, तुझे नहीं पता मेरा यहां पे एक सच्चा दास है? कहता कोई सच्चा सुच्चा नहीं है, कोई सच्चा सुच्चा नहीं है, तूने उसे बहुत धन महिमा ऐशो आराम बड़ा कुछ दिया, इसलिए तेरी महिमा करता है। तूने दिया बहुत कुछ है, इसलिए वो तेरी महिमा करता है। फिर परमेश्वर ने उसे चैलेंज किया, शैतान को चैलेंज किया, चैलेंज नहीं, वो मेरा सच्चा दास क्या है? फिर कहता नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरा सब कुछ उसके हाथ में, जो करना कर ले। उसने कहा कैसे करूं? तूने तो बाड़ा बांधा हुआ है, जो सच्चे हैं, खरे लोग हैं, वफादार हैं, पूरी तरह खरियाई से और खुदा के वचन को मानते,
धन का लालच नहीं करते, चीजों का लालच नहीं करते, लोगों को दुनिया को खुश नहीं करते जी आज, क्योंकि आपको पता सबसे ज्यादा लोगों के प्रोग्राम संडे को होते। संडे को लोग, कोई मर गया तो उसका भोग आगे पीछे एक दिन करते, उसी दिन शादी ब्याह सगन जो काम है दुनिया, टोटल दुनिया के काम संडे को होते हैं। अब यहां पे आपका प्रेम और आपका विश्वास परखा जाएगा। बोलो क्या जाएगा? आपका विश्वास परखा जाएगा, परखा जाएगा कि आप कितना प्रेम करते हो। अब्राहम ने तो बेटा भी देने से इनकार नहीं किया। बोलो यहां पे आपका प्रेम परखा जाएगा, आपका विश्वास परखा जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर आपको वहां तक ले जाने की, उस जगह तक पहुंचाने की वो इच्छा रखता है जो आपके मन में नहीं है। पर सिद्ध बनना पड़ता है, सिद्ध। क्या बनना पड़ता है? सिद्ध। सिद्ध उन चीजों में मैं भी लगा हुआ, ऐसे नहीं है मैं सीख गया हूं। पॉलस भी कहता है, मैं कौन सा सीख गया हूं, जब पा चुका हूं, मैं भी उस दौड़ में अभी थोड़ा ही चलना जाता हूं। मैं भी अपने आप को उन चीजों में सिद्ध कर रहा हूं ताकि वो उस जीवन को और उस मुकुट को पाऊं जब वो धर्मी प्रकट होगा। समझ आ रही मेरी? इसलिए ये चैलेंज था शैतान को, अय्यूब का, क्यों मेरा सच्चा है। आज भी जितने सच्चे हैं ना, उसने कहा तूने तो बाड़ा बांधा हुआ है, मैं कैसे इसका नुकसान करूं? कहता ले मैं हटा लेता हूं, कहता इसके प्राण को कुछ नहीं करना, इसकी जान को नुकसान नहीं करना। क्या नहीं करना? इसकी जान को नुकसान नहीं करना। उसका क्या कुछ उसने कर दिया, क्या कितना बुरा हालात उसका। किसने? परमेश्वर ने कि शैतान ने? परमेश्वर ने कि शैतान ने? पर वो फिर भी अपनी वफादारी और खरियाई में बना हुआ था।